के दांत दिखाओ उसके, देखो दो जंगली सूअर है भाई। ने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन उसका गर्दन ही हो इधर। अपने को वाइल्ड कैट चाहिए, वाइल्ड कैट ये सुन रहे यार। अबे उन्हें कॉल करके बुलाओ भाई। तो गाइस अपना टेंट पिच हो चुका है, अब करना है हमें सेटी भैया का, बाकी अपनी किचन वगैरह ओपन कर लेते हैं। और बॉन फायर का इंतजाम हो रहा है यहाँ पे, ये नया भैया ने बॉन फायर के लिए बनवाया है, ये देखो ग्रिल वगैरह तो नीचे कोयला रख दिया है, ठीक है। बाकी अब भैया का टेंट और पिच करना है और उसके बाद अपनी कैंपिंग हो जाएगी स्टार्ट। भाई अभी हम ढूंढ रहे हैं गन ऊपर वाले रुक जाएगी मनुजा ना बॉन फायर के लिए, इसमें नीचे पड़ी हुई है। सबसे पहले जलाएंगे भाई बॉन फायर, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी हो रही है। ये हो रही है बॉन फायर की तैयारी। ये लो जी अपना बॉन फायर भी रेडी हो गया, ये देखो इसी के सारे कटेगी रात आज, ठंड है। तो गाइस अपना लाइट्स का सेटअप भी हो चुका है जबरदस्त तरीके से, बाकी भैया अपने सेटअप में लगे हुए हैं, लाइट्स को जला लेते हैं भाई, मजा ही नहीं लाइट्स का है। वार्म लाइट्स का मजा अलग है कैंपिंग में, नहीं भूचाल भाई क्या कहना चाहोगे ना भाई? भूचाल भाई की जो है ना आवाज चली गई है, क्योंकि इसने भी थोड़ी देर पहले ना कॉल सुनी थी, कॉल सुनी है भाई यहाँ पे टाइगर की। वो भैया भी बता रहे थे, मैं मुझे तो लगा था वहम है, वो भैया कह रहे वहम, यहाँ वहम ही मत पालियो जिम कॉर्बेट में, वहम ही मिटाने के लिए कुत्ता पालो बिल्ली पाल, वहम मत पालो जिम कॉर्बेट में बस। तो गाइस ये है सेठी भैया का पूरा सेटअप, ये देख लो, ये थोड़ा सा अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको अभी सेट करेंगे सारी चीजों को। अभी सोलर पैनल लगा रहे हैं भैया यहाँ पे, इन्वर्टर लिया भैया ने नया, ये देखो 160,000 mAh है। अच्छा जी हैवी इन्वर्टर लग रहा है भाई, वैसे लाइट वेट है, मतलब देखने में हैवी लग रहा है लाइट वेट सिस्टम, पोर्टेबल है बिल्कुल, ये हमें बैकअप देगी। एक्चुअली यहाँ पे ना लाइट भी नहीं है जहाँ पे हम कैम्प कर रहे हैं, ये क्या है ये कनेक्शन इसके साथ करना ना। अच्छा सो गाइस सबसे पहले प्लान बन चुका है चाय पीने का गर्मा गर्म, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड हो रखी है, तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। तो उसके लिए भाई अपने को निकालने पड़ेंगे बर्तन। भूचाल भूचाल कम हेयर भाई, ये भूचाल की हेल्प लेनी पड़ती है ना मेरे को जिंदगी में, बस यही गम है और कोई गम नहीं है। ये लो इसको निकालो भूचाल बोए, ये लो चाय बनाते हैं। बाकी चाय पत्ती चाहिए अपने को गाइस, चाय पत्ती नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया तो यहाँ होगी वहाँ नहीं होगी। तो भैया ने रख दिया पनीर आते इस पर, ये देखो और अब बनेगी चाय गर्मा गर्म, जो कि बनाएगा हमारा भूचाल बोए। जगह तो है नहीं, इधर रख देना थोड़ा सा, पहले इसको हटा दे चाय रख दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, खाने का मन कम है अभी, पहले चाय पीते हैं भाई, ठंड है यहाँ पे, जाने दो जाने दो, हवा आने दो, ज़्यादा दूर मत लेके जियो, नो एक्टिंग करना इसको बीच में यार। इसको ना एक तो फुटेज खाने का शौक है वो, चलो भाई को ये देखना, अब आगे कर ले आगे कर ले आगे कर ले आगे कर ले आ रहा है। हाँ ये बोल इस पर रखते हैं ना, इसमें स्पेस कम बच रहा है। चाय बन रही है तरीके से, ठीक है इसके अंदर कुछ डाल भी दे भाई, पत्ती वगैरह चीनी वगैरह डाल दे, बस बस ठीक है इनफ है। भूचाल भाई ने चाय पत्ती भी डाल दी है, चलो चीनी भी थोड़ी और डाल दे, और बस 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 करना इसको और नीचे करना कपड़ा है कोई कपड़ा दे। सो गाइस यहाँ पे ना कुछ अलग लेवल की ड्रिंक बनाई जा रही है, वर्जिन मोहितो बना रहे हैं भैया यहाँ पे, और ये देखो वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ अलग ही बना रहे हो, अलग ही है। ये देखो नींबू डाल रहे हैं काट काट के ग्लासों में, और इस साइड में पुदीना रखा हुआ है, और उसके साथ क्या मिक्स होने वाला है इसके अंदर बताएंगे, ये बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे, सेठी भैया की ड्रिंक है ये वाली, टेस्ट करेंगे इसको हम, फिर बताते हैं आपको कैसी बनी है, और उसके बाद इसकी रेसिपी भी बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे रेसिपी। ये भैया ने ना सीक्रेट रखा हुआ है, देखते हैं क्या चीज़ बन के निकलेगी। फिल्टर कॉफी चल रहा है, ये देखो मिक्स कर दिया यहाँ पे भैया ने फिल्टर कॉफी, और पूरी शिद्दत के साथ बनाई जा रही है, एक एक ड्रॉप देखा जा रहा है ढंग से कि ना कम हो ना ज़्यादा हो। और यहाँ पे अपना पनीर रखा हुआ है भाई, ये देखो लुधियाना स्पेशल पनीर, जो आपने देखा होगा मनाली वाली ट्रिप पे, वो दोबारा से आ चुका है भाई जिम कॉर्बेट में इस बार। ये देखो इसके अंदर जा रही है अब स्प्राइट, और स्प्राइट डालने का तरीका भी देख लो, ये देखो वही लकड़ी वाला चम्मच। सो गाइस अपना बॉनफायर तो चल ही रहा है, और यहाँ पे भूचाल बॉय लगा हुआ है भाई, ये देखो पनीर निपटाने में भी और बनाने में भी, बाकी उसके साथ ये
जो स्पेशल ड्रिंक बनाई है ना सेठी भैया ने, इसमें पता नहीं क्या गया, पुदीना, नींबू, स्प्राइट, कैसी लगी ये बता। बहुत खतरनाक खतरनाक बहुत चीज है इसमें। चलो ठीक है, अपने साथ भाई क्या हाल चाल है बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भैया है अपने हरियाणा से ही, सोनीपत से, पर जिम कॉर्बेट में भैया का है रिजॉर्ट। भैया के साथ लास्ट टाइम हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो इस बार अभी जैसे हमारा प्लान था कहीं और जाने का, बात हुई, भैया ने कहा मैं यहीं हूँ। मैंने कहा फिर तो हम यहीं आते हैं। तो आज हम भैया के पास ही आ गए, यहीं पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा बता दो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे। मेरे को यहाँ 10 साल के करीब हो गया। 10 साल हो गए जिम कॉर्बेट? 10 साल के करीब हो गया मेरे को, काफी लंबा टाइम हो गया। और कॉर्बेट के बारे में एक एडिक्शन भी हो गया कॉर्बेट का, वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड लाइफ से, हर चीज से बिल्कुल। और जो भैया ने स्पेशली आज सबसे मजा निशान भाई के साथ आया। थैंक यू। 10 साल में सबसे अच्छा मजा आज आ रहा है। अभी तो आएगा, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। और स्पेशली थैंक्स फॉर भैया। हाँ सेठी, अरे सेठी भैया का तो कमाल ही कर टाइगर है। क्या है देखा कुछ? बिल्कुल इसी जगह पे 2-3 बार मूवमेंट हुई है, वो दिख रहा है सामने, ये बिल्कुल इसी जगह पर। थोड़ा सा ऊपर करो, बस बस थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, राइट, बस बस छोड़ दो। जूम लेंस निकाल दिया भाई अपना। अरे इधर नहीं रहा, इधर का ए, राइट 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 राइट, 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 राइट। अब नहीं है भाई, उधर 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 लेफ्ट कर, लेफ्ट कर, लेफ्ट कर, लेफ्ट कर, लेफ्ट ले जा, लेफ्ट ले जा, देखो रहा, देखो रहा, नीचे कर, राइट कर, राइट कर यार, ये रहा, ये रहा, ये देख, ये है, यही है, नीचे करना, नीचे कर, यही है, यही है, इधर है, नीचे कर यार, मेरे को लाइट दे, मेरे को दे, हाँ यही है, यही है, ये रहा ना, नीचे कर लाइट को। भाई इस बार ना मैं चना दाल पापड़ लेके आया हूँ, तो अभी पापड़ बना लेते हैं अपनी। हमने स्टोव निकाल दी छोटी वाली, जला दो भैया एक बार, तेज है क्या गैस? भाई ये देखो यहाँ पे ना जंगल में, ये देखो नदी के बिल्कुल बीच में, बीचों बीच लाइट इसमें दिखाई दे रही है, देखो वो दिख दिख रही है दीप इसमें, ये देख, ये देख, ये देख, हाँ यही है, ये देखो ये है ना, ये देखो एग्जैक्ट स्पॉट करो, ये है जो, ये है भाई टाइगर बैठे हुए यहाँ पे, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये नाइट में भाई अपने आईफोन में आ नहीं रही है, यहाँ पे बैठे हैं टाइगर। भाई अपनी 2 गाड़ियाँ आ चुकी हैं वो रही, अब वो रिवर को क्रॉस करके आएंगे, उनको रास्ते में ही दिखेंगे ये इधर, ये देख, ठीक है, टाइगर बैठे हुए हैं। और भाई आप समझ ही सकते हो कि हम किस सिचुएशन में अभी जंगल के बीच में कैंपिंग कर रहे हैं। अपनी जो 2 गाड़ियाँ हैं, एक तो सोनू भाई की और अबरार भाई की, वो दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखो ये दिख रही है आपको लाइट्स आती हुई, ये देखो, और वहाँ से वो फुटेज बनाएंगे, अगर फुटेज में आ जाते हैं ना तो आपको दिखाते हैं फिर हम, पर वो भागेंगे इधर से, उठ के भागेंगे वो फिर। ये भाई अपने सारे भाई आ चुके हैं दोबारा से, ये देखो ये बीच में चले गए थे कहीं पे, हमने चाय बनाई तो वापस आ गए। तो अब चाय की चुस्कियों के साथ ये भाई हमें, ये यहाँ पे टिपनी है, टिपनी क्या हाल चाल है अनु भैया, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए एंजॉय कर रहे हो हैं? मजा आ रहा है चाय के साथ। चलो लो आप एंजॉय करो, ये देखो भाई अपनी कैंपिंग चल रही है यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय के साथ, बाकी हमारा भूचाल बस हो चुका है। भैया स्टोरी बता रहे हैं पूरा जिम कॉर्बेट की कहानी। एडवर्ड साहब जो मैंने वहाँ तक बताया कि भाई वहाँ काला डूंगे में आके बस गए वो, तो उन्होंने बाहर से जैसे पहाड़ से जो कोई आदमी थे, उनको आदमी की जरूरत थी। अच्छा। कि भाई उनको आदमी चाहिए थे कि भाई वहाँ पूरा जंगल था तो उनको सपोर्ट चाहिए थी, तो इसलिए उन्होंने सब आदमियों को वहाँ पे बसा दिया। सब लोग कहने लगे कि भाई खेती बाड़ी कर रहे हैं हम, जानवर परेशान कर रहे हैं हमें, कुछ होने नहीं दे रहे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम इससे अच्छा तो अपने वहीं पे थे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से बात करके, और उनकी चलती थी उस टाइम पे गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या किया कि बात करके गवर्नमेंट से एक पूरा गाँव जो काला डूंगी बसा हुआ है जी, उसका पूरे गाँव की फेंसिंग करा दी। अच्छा। दीवार 12 किलोमीटर की दीवार है प्रॉपर पूरे गांव की, पूरे गांव की 12 किलोमीटर की दीवार करा दी, करीबन करीबन वो 8 फीट की या 9 फीट की दीवार है, आज भी वो आप देख सकते हो प्रॉपर दीवार है। तो उसमें फिर जो एडवर्ड साहब जब शिकार पे जाते थे, वो इतने फ्रेंडली हो चुके थे, लोकल आदमियों के साथ मिक्स हो चुके थे, उनको कोई भी अंग्रेज नहीं मानता था या बाहर का नहीं मानता था, उनको सब ये सोचते थे कि ये हमारे घर के आदमी हैं। अच्छा।
कोई भी मुसीबत आती थी और कुछ भी होता था, मैनेटर बहुत ज़्यादा हो चुके थे उस टाइम पे, लैपर्ड बहुत ज़्यादा थे मैनेटर, क्योंकि उसका एक रीज़न था, एक बीमारी आई थी, जैसे अब कोरोना आई थी ना, एक फ्लैग करके एक बीमारी आई थी उस टाइम पे, 1902 या 3 की बात है, तो अंदर भी आई थी वो, नहीं नहीं वो पहाड़ में सबसे ज़्यादा थी। तो उसमें क्या हुआ था, अब पहाड़ में क्या होता कि अब लोग रहते हैं 10-10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे, और जो ये लोग जो पहाड़ पे अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो वो करते हैं रिवर पे आगे। अच्छा, रिवर साइड, नदी के किनारे, नदी के किनारे। अब भाई इनका श्मशान घाट नदी के किनारे है। अच्छा, क्योंकि पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि उस टाइम इतने लोग मतलब मरने लग गए कि एक आदमी का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी तक आए, तीन आदमी और मरे। कोविड जैसा काम हो गया। हाँ, कोविड जैसा। और इतने दूर का रास्ता तय करना, एक आदमी को लेके आना, तो उन्होंने एक थोड़ा शॉर्ट सा तरीका अपनाया। वो क्या करते थे, उस जो मर जाता था उसके मुंह में एक जला हुआ कोयला डालते थे, ठीक है, कोयला डालते थे और उसको पहाड़ से नीचे फेंक देते। अच्छा, ठीक है, और उसको खाने लगे लेपर्ड जानवर। अच्छा, लेपर्ड, लेपर्ड, लेपर्डों को पता लग गया कि ये खाने की चीज है, इसी वजह से सबसे ज्यादा उसी टाइम पे मैनेटर हो गए, लेपर्ड्स हुए सबसे ज्यादा। जब सरकार उस टाइम पे इतना कुछ करती नहीं थी, अब तो एक्टिव है भी, कोई मैनेटर हो जाता है तो गवर्नमेंट भी एक्टिव है, सब है, उस टाइम कुछ था नहीं, तो पर जो एडवर्ड जिम कॉर्बेट थे वो यहाँ के लोगों के लिए मसीहा थे एक टाइप। हाँ, मतलब अपना मानने लग गए लोग उनको, और कर्नल थे तो अच्छी पोस्ट पे थे, तो उनका चलता भी था, रुतबा भी था, सब चीजें, तो जंगलों से प्यार था उनको। तो जब कोई भी मुसीबत आती, कोई मैनेटर हो जाता, तो सब उनके पास जाते थे कि सारा गांव इकट्ठा हो गए, सर ये मैनेटर हो गए, ये हमारी रक्षा करोगे, आप इस मैनेटर को मारो। इसी वजह से एडवर्ड जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ में 87 टाइगर्स मारे हैं। अच्छा, और 78 लेपर्ड्स मारे हैं, मैनेटर्स, 78 लेपर्ड्स, मैनेटर्स। उस वजह से सब लोग वहाँ आ जाते थे कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि एडवर्ड साहब आप ही हो, हमारे MLA MP मिनिस्टर आप ही हो, वो इन लोगों के लिए बहुत टच में थे और वो इनकी मदद भी करते थे बहुत ज़्यादा। यहाँ से गए जैसे बंटवारा हो गया। अच्छा, 47 में। हाँ, तो एक भाई टर्म्स एंड कंडीशंस थी हर चीज़ की कि भाई जो इंग्लिश थे उनको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना पूरा गांव बसा, वहाँ के जो लोग थे सब इकट्ठे हो गए कि हम एडवर्ड साहब को नहीं जाने देंगे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम नहीं जाने देंगे। क्या किया, प्रॉपर जिन जिन लोगों को जितनी जितनी जमीन दे रखी थी, वो 10 बजे रात को बैठे और सुबह 4 बजे तक उन्होंने सबके नाम की वसीयत लिख दी। वो वसीयत आज भी काला डूंगी म्यूजियम में आप देख सकते हो, पूरी वसीयत लिखी हुई है, लोगों के नाम लिख दी, जो गांव के नाम, जिसके नाम, जिस जिन जिन को पहले तो जमीन दे दी थी वैसे। हाँ। फिर वो 4 बजे यहाँ से गए देहरादून। अच्छा, देहरादून से मतलब गांव वाले जाने नहीं दे रहे थे उनको, सुबह 4 बजे देहरादून गए, देहरादून से फिर वो गए सीधा इंग्लैंड। इंग्लैंड रहे वो काफी टाइम, पर इंग्लैंड में उनका मन नहीं लगा क्योंकि उन जंगलों से प्यार था। फिर वो चले गए केन्या, केन्या में गए वो, केन्या रहे, तो केन्या में फिर वो, अच्छा, वहीं उनकी डेथ हुई केन्या में। केन्या में जो जिम कॉर्बेट थे, एडवर्ड जिम कॉर्बेट, एडवर्ड जिम कॉर्बेट, इंदिरा गांधी ने नाम रखा था, पहले इसका नाम था हेनरी नेशनल पार्क। अच्छा। हाँ, 85 में बना था ये। वो जो मैनेटर ऑफ रुद्रप्रयाग था, मैनेटर ऑफ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग वो है, उसकी पूरी प्रॉपर वो है, पूरी प्रॉपर जी। वो क्या था, उसी जब मैनेटर हो रखे थे काफी, उसी टाइम की बात है, उस टाइम पे वो जो केदारनाथ की जो यात्रा होती थी वो उन आदमियों को खाने लग गया था। अच्छा, लगने लग गया। हाँ, ओके ओके, रुद्रप्रयाग के जैसे रास्ता जो है, केदारनाथ जो यात्रा होती थी उस टाइम पे, तो उन आदमियों को खाने लग गया था। अच्छा, और वो इतना शातिर था कि
वो झुंड में भी लोगों को उठाने का, वो झुंड में नहीं, वो इतना शातिर था। आपको एक किस्सा बताता हूँ उसका, रुद्र जमींदार लोग भेड़ बकरी होती है जिनके पास काफी है, वो है ना जैसे किसी को रख लेते थे, छोटे से बच्चे को रख लेते थे कि भाई इसको है ना पूरी उम्र मैं ही पालूंगा, ये मेरी भेड़ बकरी पाल देगा और ये मैं इसको खाना खिला दूंगा। गरीबी बहुत ज्यादा थी, पैसे थे नहीं, वो नहीं था, सिस्टम नहीं था। तो वो जमींदार रहता था ऊपर, अच्छा, और जो भेड़ बकरियों का वो बना रखा था बाड़ा, वो था नीचे पूरा, अच्छा। तो मैनेटर ऑफ रुद्रप्रयाग इतना वो तेज था, वो 14 साल का बच्चा था, अच्छा, जो भेड़ बकरियों को उनको मतलब लेके जाता था और वो करता था, अच्छा, और वो उसके बदले वो जमींदार उसको खाना देता था। तब इतनी जगह थी उसके करीबन ने मतलब 100 भेड़ बकरियां थी उनके पास, अच्छा, और भेड़ बकरियों के लास्ट में कोने में उसका सोने का था, अच्छा। पहले ये ताले वाले कुछ नहीं होते थे, लोग क्या करते थे कुंडी लगाते थे और एक लकड़ी फंसा देते थे, अच्छा। तो इतना शातिर था, आप सोचो लकड़ी निकाल देता था, लकड़ी निकाली कुंडी खोली, अच्छा, लेपर्ड ने लकड़ी निकाली कुंडी खोली, उसके बाद सब भेड़ बकरियों के बीच में से निकला और लास्ट में उसको निकाला लड़के को और लेके चला गया, और किसी भेड़ बकरी को खरोच भी नहीं, बच्चा था ना वो, उसी को पकड़ने आया था, उसको लेके गया, पता नहीं ऊपर से गया नीचे से गया कैसे गया। मैनेटर रुद्रप्रयाग से सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, प्रॉपर दहशत हो गई थी पूरे एरिया में कि डरते थे लोग। पता ये चीजें जब तुम्हारा शौक हो ना तभी कर सकते हो तुम, तब बनाओ। ऐसा है ना जो कीड़ा होता है ना वो अंदर होता है, अलग अलग टाइप का होता है, किसी को वो कीड़ा होता है कि पतंगों से उसके साथ पतंगे बांध के 200 उड़ा दी, कितने का यार ये क्या कर रहा, उन्होंने कीड़ा है मेरा, अच्छा उसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। देखो भाई मेन कोर्स का टाइम आ चुका है, यहाँ पे दाल मखनी बनाई जा रही है, ये देखो इसको कर रहे हैं गरम अपनी बॉनफायर पे, और यहाँ पे रोटी इसके साथ कैसे। अब खाने का टाइम हो चुका है, हमारा भूचाल भाई तो सो गया भाई। उसको खाएगा तो उसको पूछ लेते हैं, एक बार उठा लेते हैं, एक बार पूछता हूँ उसको। ऋषभ खाना खाएगा, आजा नीचे आजा भैया, ऊपर ही दे दो। नहीं नीचे खाएंगे, आजा। तो भाई हम खाने वाले हैं अब यहाँ पे तवा रोटी, और भूचाल बॉय का खाने का मन नहीं कर रहा भाई, नीचे भूचाल बॉय को लग रही है कि हम कोई दिक्कत नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा बट सोना जरूरी है। और यहाँ पे सब्जी भी है, वेजिटेबल्स, और ये क्या अचार है, क्या ये अचार है यार, मिर्च है ना। दीपक और भूचाल बॉय सो रहे हैं इसमें, और मैं और सिटी भैया सोएंगे इसके अंदर। ये है सिटी भैया वाला टेंट, फर्स्ट टाइम इसके अंदर सोऊंगा मैं, और ये 4% टेंट है भाई, बहुत बड़ा टेंट है अंदर से। बाकी आपको अंदर से दिखाते हैं, अपना मैंने ब्लैंकेट तो रख लिया, भैया के पास शायद स्लीपिंग बैग होगा। ये देखो भैया का इन्वर्टर अभी तक चल रहा है, जो चार्ज करके लाए थे, बाकी मेरा यहाँ इसको निकाल लेते हैं चार्जर को, है लगा रखा है। और यहाँ पे सुबह रहेगी ओस, स्लीपर्स डालने के लिए बैग आता है साथ में ही टेंट के, इसी में अपनी स्लीपर्स डाल देते हैं। नीचे डालेंगे ना तो कुत्ते वगैरह ले जाते हैं भाई, यहाँ पे डाल देते हैं अपनी बोतल। तो इसमें भी पॉकेट्स दे रखी हैं, जैसे हमारे वाले टेंट में ऐसी सेम पॉकेट्स इसके अंदर भी हैं। तो इधर वही डाल देते हैं अपना पानी, ये रात में अपने काम आएगा, नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अपना पिल्लो रेडी हो गया, हवा भर दी इसके अंदर, हम आ चुके हैं अपने ब्लैंकेट के अंदर, और भाई फुल मजे कैंपिंग के, और वो भी जंगल के बीच में जिम कॉर्बेट में। सोच सकते हो आप कितनी डेयरिंग नाइट अपनी होने वाली है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो गाड़ियाँ अपनी साथ में लगी हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एरिया ना टाइगर रिजर्व का है, मतलब टाइगर टेरिटरी है ये वाली, जहाँ पे अभी हम कर रहे हैं मोहन से आगे। जिन लोगों को पता होगी जिम कॉर्बेट आते होंगे उनको आइडिया होगा, ये हम चुकम में रिवर क्रॉस करके आते हैं, और मोहन से थोड़ा आगे पड़ता है, रामनगर पहले पड़ता है फिर मोहन पड़ता है, और फिर उसके आगे रिवर क्रॉस करके जाते हैं चुकम विलेज के लिए। तो उस जगह पर बिल्कुल टाइगर्स के बीच में आपने देखा ही था, हमने कई दो बार हमें टाइगर दिखा था, उसकी आईज दिखी थी, हमने कैमरे से कैप्चर करने की कोशिश करी, बट वो पत्थरों के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब किसी अपने शिकार के लिए बैठे हुए हैं, तो इसलिए ढंग से नहीं देखा। और हमारे पास वो लाइट्स भी नहीं है, मैं लेके नहीं आया, मतलब अपनी वाली लाइट जो हमारी होती है ना स्पॉट लाइट जो होती है, जिससे हम टॉर्च से पूरा दूर तक देख लेते हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल थी उससे हमने ट्राई किया, बट उसमें ढंग से नहीं दिख रहा।
बाकी देखते हैं यार, अभी हम यहाँ पे दो दिन और हैं, लेट्स सी अगर स्पॉट होता है तो आपको टाइगर जरूर दिखाएंगे, वही प्लान है। कल हमने नाइट सफारी करी थी, कल का कुछ और प्लान है, अलग एडवेंचर देखने को मिलेगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक जरूर ठोक देना, और इस एफर्ट के लिए भाई सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल पर अगर नए आए हो, और अगर पुराने ही हो तो प्यार बरसाओ।